ये पाकिस्तान की तारीख ने शायद इतना गनौना नंगा फाशिजम पहले नहीं देखा था हमने देखा जो फातमा जनाज साहबा के साथ हुआ हमने देखा जो जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ आज हम देख रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है आपने याद रखना है कि इस मुल्क में वही मीडिया है इस मुल्क में वही इदारे हैं जब एक हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी एक तस्वीर थी जिसमें वो कुर्सी पे बराजमान थे उनके साइड के ऊपर टिश्यू पेपर का डब्बा था और पानी पड़ा हुआ था और वो बड़ी इज्जत के साथ उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे वो एक तस्वीर लीक हुई थी तो उससे कितना वावेला मचाया गया था आपको यह भी याद होगा आज की जो क्वीन है मरियम सफदर साहबा जब वो नैब की पेशी में या अदालत एहसाब अदालत की पेशी में गई थी तो आज जिस रैंक के ऑफ़िसर लियाकत साहब ने चादर और चार दीवारी की धजियाँ उड़ाई हैं इसी रैंक की एक ऑफिसर ने मरियम साहबा का कलम नीचे गिर गया था वो उठा के भी दिया था और सलूट भी मारा था कोताही थोड़ी सी हमारी भी है जब हमें हुकूमत मिली तो हमने इन भेड़ियों के साथ वो सलूक नहीं किया जो ये दूसरे करते हैं हमने आइन और कानून के तहत सलूक किया जो पाकिस्तान का आइन और कानून दिखाता है आज आपने देखा कि इसी पुलिस ने हालांकि अगर इन्होंने मकसद इनका वहां पर जो कैंप लगे वो हटाने थे तो घर का गेट तोड़ने की क्या जरूरत थी आपने बाहर से कैंप हटा लिए थे अगर वर्कर पकड़ने थे तो घर के अंदर तो कोई वर्कर नहीं थे आपने पहले गेट तोड़ा बाहर लाठीचार्ज किया जो बाहर वर्कर थे उनको आप अंदर लेके गए फिर उनको आपने अंदर लाठी चार्ज किया और आपको सिर्फ फुटेज बनानी थी घर की पमाली की गेट तोड़ने की क्योंकि जैसे कहा अभी हमाद साहब ने किसी को तस्कीन बख्शनी थी आपने वो आपने बख्श ली मसला वही अक्सर दोस्त मेरे पे हंसते हैं जब मैं बात करता हूं क्योंकि नई बात है ना कॉन्सेप्ट नया है अक्सर हम हंसते हैं मसला मिडिल क्लास का है इमरान खान मिडिल क्लास से है अभी समझ नहीं आ रही लोगों को जब मैं कहता हूं अक्सर इस बात पे हंसते हैं मसला मिडिल क्लास का है इमरान खान मिडिल क्लास में से निकल के वजीर आजम बना यह ऐसा सबक देना चाहते हैं ये लोग मिडिल क्लास को कि दोबारा इनमें से कोई सोचे ना इस हरकत करना इमरान खान ने आजादाना बात की है इसलिए उसको सजा दी जा रही है वरना दूसरी तरफ तो मैंने आपको बताया यही पुलिस थी ना अपोजिशन में थे यही पुलिस थी सब कुछ जो जो कहा जा रहा है आज हमारे खिलाफ है वो वो चीजें सारी उस टाइम नून लीग के खिलाफ कही जा रही थी तो क्या पेंसिल गिरने पे सलूट बजते थे कि नहीं क्या एक तस्वीर इज़्जतदार तरीके से लीक होने के बाद वावेला मचता था कि नहीं और दूसरी तरफ हमारे जैसों को नंगा करके मारा जाता है हवालात में फरमाइशी तस्वीरें भजवाई जाती हैं खींच खींच के बाहर मुझे याद है जिसने मेरी तस्वीर खींची थी फरमाइशी यह भी याद है ऊपर से फोन किसका आया था उस बेचारे ने माजरत भी की थी जिसने तस्वीर खींची थी वो जो तस्वीर आपको हवालात में तशद के बाद मेरी बैठे हुए नजर आ रही थी वो एक सरकारी सतह पर खिंचवाई गई थी वो तस्वीर मुझे पी एम एल एन के दो बहुत बड़े लीडर्स ने यह कहाती में कि आप पर तशद की वीडियो हमें भेजी गई थी हमने देखी थी और हम आपसे माफी मांगते हैं ये दो नून लीग के मोतबिर लीडर्स ने मुझे जतीी तौर पर कहा हम शर्मिंदा हैं कि हमारी लीडरशिप ने यह सब कुछ करवाया और हम माफी मांगते हैं उसके ऊपर आज भी मेरा ख्याल है हम तीनों को ही नून लीग के डिफरेंट लोगों ने यह पैगाम भेजे कि हम अपनी लीडरशिप के रवैये से शर्मिंदा हैं अब शायद हमारे घर वाले हमें भी वोट ना दें उसके अलावा कल फवाद चौधरी साहब की वहाँ पटिशन थी जिसमर जिस पर आला अदालत इस सूबे की आला तरीन अदालत ने बड़ा वाज फैसला किया हुआ था कि कोई ऐसा एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो अदालत में पेश हो रहे हैं उन अहकाम के बावजूद अदालत के उन एहकाम की आई जी साहब ने दज्जियाँ उड़ाई आई जी साहब वैसे तो जब फवाद चौधरी साहब पकड़े गए थे तो मैंने उनकी पहली दफ़ा महारत लाहौर हाई कोर्ट में तब देखी थी जैसे वो दिन को रात बनाते हैं और रात को दिन बनाते हैं मैंने उनकी महारत देखी थी वो एक कामयाब कैंडिडेट है नून लीग के सेनेटर बनने के लिए और वो आने वाले टाइम में कामयाब कैंडिडेट है नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर एडवाइजर बनने के लिए हम उनको उसी नज़र से देख रहे हैं राणा मकबूल साहब ने जैसे किया था हम उन्हें उसी नज़र से देख रहे हैं और उसी नज़र से देखेंगे रही बात जो आज लाहौर में हुई ये नया नहीं हुआ कुछ हाँ ये बात जरूर है कि सियासी तारीख में ये नहीं था हमें बताया जाता था कि सियासतदान कितना भी गिर जाए वो दूसरे की औरत बच्चों और बुजुर्गों का एहतराम हर सूरत अपने हाथ में रखता है वो कभी भी उससे नीचे नहीं जाता आज खैर हमने ये देखा लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुखालफी को आबद बॉक्सर और दूसरे करेक्टर से कत्ल नहीं करवाया था अदालत क्या यहां पर इसी हाईकोर्ट के अंदर इसी शहबाज शरीफ की करवाई हुई मारवाए अदालत जो कत्ल थे जो इस तरीके से उन्होंने भेड़िए बन के लोगों को नोचा था उसकी रिपोर्ट्स नहीं जमा हुई हुई पहले क्या मॉडल टाउन के अंदर ये लोग नहीं थे इन्वॉल्व आज का वजीर दाखिला क्या फैसलाबाद में कातल के नाम से नहीं जाना जाता ये जो टर्टर साहब हैं क्या इनके दादा ने उस टाइम जुडिशरी को नहीं ख़रीदा था तो इनमें है कौन सा जिससे आप इखलाकियात की तो करें रह कौन गया जिससे आप अखलाकियात की, की तो करें जो कुछ आज इन्होंने किया है वो इमरान खान के साथ नहीं किया मैं आपको दावे से कहता हूं पाकिस्तान की मिडिल क्लास गरीब है पिसी हुई है कुछ हिस्टोरिक बातें प्रोफेसरों वाली बातें नहीं करूंगा हम को बारह चौदह साल से गुलाम रहे हैं सवाए रंजीत सिंह के बाकी कोई राह आया ही नहीं जिसमें यह रीजन आजाद रहा हो इसलिए हम उस तरीके से बाहर नहीं निकलते लेकिन यह याद रखिएगा गैरतमंद हम भी हैं इस रीजन के लोग भी हैं जब आप किसी की तजलील करेंगे ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे अब आप वोट डलने दें इलेक्शन आने दें अगर आपने खुली नंगी इस तरह की धांधली करके करनी है तो खुद ही अपने आप को नॉमिनेट कर लें अगर आपने इलेक्शन करवाया तो अगर आपके घर के अपने लोगों ने पीटीआई को वोट ना दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा क्योंकि कोई जियो शुरू और गैरतमंद आदमी किसी उस ऐसे शख्स के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो किसी के घर की औरतें घर के अंदर हों और उसका गेट तोड़ के वो अंदर जाने के अहकाम दे अगर आज ये इमरान खान के घर के साथ हुआ है कल ये आपके साथ होगा और मरियम बीबी आप बड़ी चहक चहक के वीडियोज कर रही हैं मैंने इमरान इमरान खान के बहुत क्लोज काम किया है ये जो नाग साहब हैं आमिर मीर साहब इन्होंने एक दफ़ा बड़ी घटिया वीडियो खान साहब की जाति फैमिली के बारे में रिलीज की थी उसके ऊपर हमने आईनी एक दरखास्त दी थी एफ में मुझे आमिर साहब की तरफ से एक पैगाम आया कि इसमें इंटरवीन करें क्योंकि उनके ऊपर एफ की कार्रवाई होने जा रही थी मैंने झाती हैसीयत में इंटरवीन किया था मैंने खान साहब से जाके गुजारिश की थी कि रहने दें ये एक सहाफी है गलती हो गई छोड़ दें उन्होंने एक सेकेंड नहीं लगाया था यह कहने में कि ठीक है वापस ले लो एप्लीकेशन नहीं करना ये सो इमरान खान आमिर मीर साहब वो है जो आपकी गलती को भी माफ करने वाला है मैं मरियम साहबा आपको भी यह पैगाम देता हूं हमारी हुकूमत आनी है टू थर्ड मेजोरिटी से आनी है लेकिन इमरान खान एक खानदानी आदमी है आपके घर का दरवाजा नहीं गिराया जाएगा यह आपसे वादा है आपकी खवातन बच्चों और बुजुर्गों का एहतराम किया जाएगा सिर्फ चोरी का हिसाब लिया जाएगा किसी की जातीत के ऊपर तब भी हमला नहीं किया जाएगा जैसे हमने पहले चार साल में अपनी साढ़े चार साल में अपनी हुकूमत में नहीं किया जो कल्चर आप आज सेट कर रहे हैं ये लगा तो आप छोटे से दिए से आग हैं लेकिन ये पूरे शहर में आग फैलने वाला काम आप कर रहे हैं आप हमारे पूरे सियासी कल्चर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद किसी की इज्जत शायद महफूज ना रहे जो आप कर रहे हैं आपके हाथों से मैं कह रहा हूं हम तो हर सूरत हर सूरत पाबंद हैं आइन कानून के अमन के हर इखलाकियात के जैसे हमने पहले दिखाया आखिरी बात मैं करूँगा मैंने जैसे कहा फवाद चौधरी साहब की पटिशन वहाँ थी उस पर फैसला हो चुका है अब लाहौर कोर्ट का टेस्ट है बहुत मौजूद अदालत है हम सरनगु हैं हमारा लीडर वहाँ जाकर अदालत में पेश होने के लिए चला गया जानते बूझते कि इन्होंने क्या करना है अब अगर आला अदालत ने अपने किए हुए फैसले के ऊपर ये जो लियाकत साहब हैं ये जो यहाँ के सी सी पी ओ हैं ये जो यहाँ के आई जी हैं इनके खिलाफ और जाहरी बात है जो निगरान वजीर अला साहब हैं जो अपने काम से अपने मैंडेट से हट के सारे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन ना लिया तो फिर मेरे ख्याल अदारे जो हैं वो अदालतों के ऊपर से लोगों का अहतमाद उठ जाएगा फिर शायद किसी पर जुल्म हो तो भाग के अदालत ना जाए तो क्योंकि उसे पता होगा कि वहाँ से फैसला मिल भी गया तो क्या फ़ायदा होना है आज फवाद चौधरी साहब ने दोनों जिम्मेदार लोगों को अदालत के उस फैसले की सुबह याद दहानी कराई उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी हमें याद है क्योंकि वो मौजूद थे मैं भी वहाँ मौजूद था जब हमारी मीटिंग हुई एडवोकेट जनरल के साथ मैं भी वहाँ मौजूद था उन्होंने दोनों जिम्मेदारान ने और वो डिसेंट लोग हैं उन दोनों ने ये कहा कि बिल्कुल ये फैसला है और हम आगे पैगाम देंगे उनके पैगाम देने के बावजूद चादर चारदीवारी को पामाल किया गया है आपने जो मुल्क की आज जागहसाई करवाई है जो पूरे मुल्क को हमारे पूरे माशरे की इकदार की जागहसाई करवाई है उसका अब आपको खमियाजा आवाम के गैज़ गज़ब से मिलेगा और मैं आपको कहता हूँ आप इलेक्शन में आएँ मेरा तो ख्याल मरियम साहबा की ख्वाहिश तो यही है ना कि कोई और ना आए मैं अकेली इलेक्शन में हूँ और बस शाम को जीत जाऊँ अगर तो ऐसा इलेक्शन है तो बिल्कुल ठीक है अगर आपने वाकई फिफ्टी परसेंट ईमानदारी से भी इलेक्शन करवा दिया तो जमानतें जब्त पुरानी टर्म है अब